जब कुर्बानी का जानवर ज़िबह करने लगे उसको अच्छी तरह चारा और पानी दे दिया जाए और वो भूखा प्यासा ना हो। जानवर को बाएं पहलू पर लिटाएंगे और उससे पहले छुरी जिससे ज़िबह करना है उसे खूब तेज़ कर लिया जाएगा और तेज़ छुरी से जानवर को जल्द ज़िबह किया जाए। और ये मखसूस दुआ है जो हम इसको सुनकर याद कर सकते हैं। बवक्त ज़िबह हम ये दुआ मांगेंगे। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ऐ अल्लाह मुझसे ये कुर्बानी कबूल फरमा, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम, जिस तरह आप अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी को कबूल फरमाया था, व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कुर्बानी को कबूल फरमाया था। गोश्त के तीन हिस्से किए जाते हैं और उन तीन हिस्सों की तकसीम इस तरह है कि एक हिस्सा घर वालों के लिए है, दूसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए है, तीसरा हिस्सा जो है वो दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए है।